मित्रों, हमारे सनातन या फिर हिंदू धर्म में ज्यादातर देवी देवताओं का संबंध भारत के ही अलग अलग प्रांतों से दिखाया जाता है। फिर वो प्रभु श्री राम हो जो अयोध्या नगरी में अवतरित हुए, या फिर लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अवतार लेने के लिए पवित्र मथुरा नगरी को चुना। ऐसे में ये प्रश्न उठना तो स्वाभाविक है कि हिंदुओं के सभी देवी देवताओं का जन्म भारत में ही क्यों हुआ। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, ये समझने के लिए कि हिंदू देवी देवता भारतवर्ष की इस पावन धरती पर ही अवतरित क्यों हुए, सबसे पहले हमें भारत के प्राचीन इतिहास पर नजर डालनी पड़ेगी, जिसका उल्लेख हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। दरअसल भारत का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि भारत इतना ही बड़ा है, हजारों साल पहले ये ऐसा नहीं था, बल्कि पृथ्वी के इस सबसे बड़े भूभाग को प्राचीन काल में जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। मार्कंडेय पुराण में वर्णन है कि जम्बू द्वीप का फैलाव उत्तर और दक्षिण के बजाय मध्य के क्षेत्र में ज्यादा था, और उस फैलाव क्षेत्र को मेरुवर्ष या फिर इलावर्त के नाम से भी जानते थे। इलावर्त पहले चक्रवर्ती सम्राट पुरुरवा की माँ का नाम था। इलावर्त के केंद्र में पहाड़ों के राजा सुनहरे मेरु पर्वत था। मेरु पर्वत के शिखर पर भगवान ब्रह्मा का विशाल नगर है, जो ब्रह्मपुरी के नाम से विख्यात रहा। ब्रह्मपुरी के आसपास 8 और भी शहर बताए गए, जिसमें से एक भगवान इंद्र का और 7 दूसरे देवी देवताओं के बताए गए हैं। मित्रों, इसी संदर्भ में हमें एक और मत त्रेता युग से जुड़ा हुआ भी मिलता है, जिसमें ये उल्लेख है कि भगवान राम के काल के हजारों वर्ष पहले प्रथम मनु स्वयंभू मनु के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने इस भारत वर्ष को बसाया था, पर तब इसका नाम कुछ और था। जो मित्र ये सोचते हैं कि प्रभु राम के अनुज भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत वर्ष पड़ा, उनको बता दें कि इसके पीछे भी हमें अलग अलग मत अपने धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। वायु पुराण के अनुसार महाराज प्रियव्रत का खुद तो कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र यानी कि अपने पौत्र अग्निंद्र को गोद ले लिया था, जिसका लड़का नाभि था। नाभि की एक पत्नी मेरु देवी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम ऋषभ था। इन्हीं राजा ऋषभ के पुत्र भरत हुए, और इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। साथ ही एक और प्रचलित मत ये भी है कि पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत वर्ष पड़ा, जिसके बारे में आपने भी काफी सुना होगा। हालांकि तब का भारत, जिसे आज के कुछ मनुष्य अखंड भारत भी कहते हैं, उसका भौगोलिक क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तृत था, और इसमें वर्तमान समय के कई देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ईरान, इराक और चीन का कुछ भाग इसे सभी के अंतर्गत आता था। यही अखंड भारत आर्यवर्त के नाम से भी प्रसिद्ध था। और मित्रों, ऐसा नहीं है कि हिंदू मंदिर सिर्फ भारत में ही देखने को मिलते हैं। दुनिया के कई देश हैं जहां प्राचीन मंदिर के प्रमाण मिलते हैं, और ऐसी कई जगह हैं जहां आज भी सनातन रीति रिवाज से पूजा पाठ होता है। थाईलैंड के राज परिवार पर सदियों से हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव रहा है। वहां के लोग ये तक मानते हैं कि थाईलैंड के राजा भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। सनातन भावना का सम्मान करते हुए ही थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक भी गरुड़ रखा गया है। इंडोनेशिया के जावा में प्रम्बानन मंदिर प्राचीन जावा का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। ये मंदिर खास तौर पर ब्रह्मा विष्णु और महेश को समर्पित है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया है। मंदिर में त्रिदेवों के साथ ही उनके वाहनों के भी मंदिर मिलते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी के आसपास हुआ था। इसके अलावा बाली में पुरातमन सरस्वती मंदिर और जावा में स्थित सिंहसरी शिव मंदिर भी मौजूद है, जो इस बात का प्रमाण है कि अखंड भारत काफी दूर तक फैला हुआ था, और हिंदू धर्म की नींव सिर्फ उस भारत से नहीं निकली है जैसा हमें आज के समय में नजर आता है। मित्रों, मेक्सिको तक में एक खुदाई के दौरान भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की प्राचीन प्रतिमाएं मिली थी। जानकार मानते हैं कि मेक्सिको शब्द संस्कृत के मक्षिका शब्द से ही आता है, और मेक्सिको में ऐसे हजारों प्रमाण मिलते हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म की पहुँच यहाँ तक थी। दूसरी ओर स्पेन में हजारों वर्ष पुराना एक मंदिर है, जिस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा अंकित है। और मित्रों, कुछ वर्ष पहले ही रूस के वोल्गा प्रांत में भगवान विष्णु की मूर्तियां मिली थी, और इतिहासकारों के मुताबिक ये मूर्तियां 7वीं से 10वीं सदी के बीच की थी। ये गांव 1700 साल पहले एक प्राचीन और विशाल शहर हुआ करता था। सन 2007 में यहां से मूर्तियां पाई गई थी। 7 वर्षों से उत्खनन कर रहे समूह के डॉक्टर कोजविनका का कहना है
कि मूर्ति के साथ ही अब तक किए गए उत्खनन में उन्हें प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियां और शस्त्र भी मिले हैं। कंबोडिया में भी बड़ी संख्या में हिंदू और बौद्ध मंदिर देखने को मिलते हैं, जो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कभी यहाँ भी हिंदू धर्म अपने चरम पर था। ये भी माना जाता है कि पहली सदी में कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण ने हिंद चीन में हिंदू राज्य की स्थापना की थी और इन्हीं के नाम पर कंबोडिया बना। हालांकि कंबोडिया की प्राचीन दंत कथाओं के अनुसार इस उपनिवेश की नींव आर्य देश के राजा कंबू स्वयंभूव ने डाली थी, जो एक बहुत बड़े शिव भक्त थे। तो मित्रों, उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि प्राचीन काल में सनातन धर्म की जड़ें पूरी दुनिया तक फैली हुई थी, और चूंकि आज के समय में हमारा धर्म भारतवर्ष में सबसे ज्यादा केंद्रित है, इसीलिए हमें जो दंत कथाएं सुनने को मिलती हैं, अपने आसपास की ही सुनने को ज्यादा मिलती हैं। सच तो ये है कि कालांतर में जम्बूद्वीप के खंडित होने के कारण नए नए देश बनते गए और भारत सिमट कर पहले से काफी छोटा रह गया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। कोई सुझाव या फिर शिकायत हो तो नीचे कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं। ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Facebook पर देखने वाले लाइक करें हमारा Facebook पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।